क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा, जैसा कि थ्योरम 1.4 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें हमें अपोजिट एज्यूम कर लेना है, रूट 5 जो इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी, ये क्या होगा, ए बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पर बी हमारा जो होगा बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स, और ए और बी हमारे क्या होंगे, वो को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स नंबर आपको पता होना चाहिए कि जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, तो इसे इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब कर देंगे दोनों साइड स्क्वेयर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयर करने पर रूट 5 बी का स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा 5 बी स्क्वेयर, और ए का स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए स्क्वेयर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वेयर जो 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 आपने पढ़ी होगी, तो हम कह सकते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग कि ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर 1। अगर ए 5 से डिविजिबल है, तो हम ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 5c, जहां पर सी हमारा कोई, वेयर सी इज एन इंटीजर, जहां पर सी हमारा कोई इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो 5c हमने यहां पर एज्यूम की है, इसको हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, ए जो भी ए की वैल्यू है उसकी जगह हम रखेंगे 5c ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, 5 b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ए की जगह हमें क्या रखना है, 5c। ठीक है, तो 5c, ए का स्क्वायर हो रखा है तो 5c का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। कैंसल आउट करेंगे, 5 1 5 5 5 25, तो इक्वेशन आएगी हमारी b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर, इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ए जो है 5 से डिविजिबल है, मतलब ए का फैक्टर 5 है और यहां पर बी का फैक्टर 5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 5, इनका यहां पर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। लेकिन हमने इन्हें, ये ए और बी क्या थे हमारे, को प्राइम थे, इनका तो कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था 1 के अलावा, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 5। तो ये जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, वो किस लिए आ रहा है, ठीक है, ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग इनकरेक्ट एजम्पशन किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो भी ये विरोधाभास हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है, वो किस वजह से है, क्योंकि हमने इसको रूट 5 को जो रैशनल लेट किया था, ये गलत किया था। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई नंबर रैशनल नहीं है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इट इज इरेशनल।
ठीक है, सो वी कैन से दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ये हो गया हमारा यहां पर प्रूव। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। रूट फाइव की जगह आपको रूट सेवन दिया जा सकता है, रूट इलेवन दिया जा सकता है, रूट टू, रूट थ्री, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्रेडिक्शन मेथड से बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उनको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का ये आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जाएगा।